दोस्तों आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल अरहान एंटरटेनमेंट। मैं हूँ आशीष शेख। तो आज हम लोग रिव्यू करने जा रही है, हमारे चैनल में पहली बार हो रहा है किसी रियलिटी शो के बारे में रिव्यू कर रहे हैं। तो इस रियलिटी शो के बारे में आपको बताऊंगा, तो ये रियलिटी शो आपको देखना चाहिए या नहीं, ये सब तो बात की बात है। लेकिन इससे पहले प्लीज आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जो साथ ही बेल आइकन से प्रेस कर दे, और मुझे कमेंट से जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। उसके अलावा आपको कोई और रियलिटी शो के बारे में जानना है कि वो देखना चाहिए नहीं, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा उसका भी वीडियो बनाने की। तो आज हम लोग बात करेंगे स्कल्स एंड रोसेस का। ये रियलिटी शो आपको देखने को मिलेगा अमेजॉन प्राइम वीडियोस पे। इसमें तकरीबन 10 एपिसोड है, और पूरे के पूरे 10 एपिसोड की लेंथ की बात करो तो 8 घंटे 25 मिनट का करीब करीब ड्यूरेशन है। और इसके होस्ट है रघु और राजीव। रघु और राजीव को तो आप लोग सभी जानते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि रघु और राजीव को कोई जानता नहीं, क्योंकि रोडीज के मेन जज ये लोग हैं। और ये लोगों का जो स्टाइल है, एटीट्यूड है भाई, इतना अलग है कि इन लोगों के इतने लोग फैन है कि सिर्फ इन दोनों का नाम आ जाता तो वो शो जरूर देखते हैं। और ये शो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट अच्छा है। हालांकि कहीं ना कहीं रोडी स्प्लिट्स विला और दादागिरी और खतरों के खिलाड़ी से मिलता होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग टास्क देखने को मिले, कुछ डिफरेंट देखने को मिला। प्लस कंटेस्टेंट लोग भी बहुत अच्छे हैं, मुझे पर्सनली अच्छे लगे। और मेरे फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले इस शो का कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। कॉन्सेप्ट ये है कि राजीव के पास एक आईलैंड है जिसका नाम है रोज आईलैंड, जहां पे एक कासल है। तो बेसिकली जितने भी वहां पे कंटेस्टेंट, वो कंटेस्टेंट पहले रोज आइलैंड पे जाएंगे और वहां पे काफी फनी और लविंग कॉमेडी टास्क होते हैं एक हिसाब से। हालांकि सब टास्क एडल्ट होते हैं, लेकिन बहुत ही फन लविंग जो जिस हिसाब से उसको डिजाइन किया गया, वो सारे टास्क को वो बहुत ही अच्छी तरीके से डिजाइन किया गया, लेकिन सारे एडल्ट है, लेकिन बहुत देखने में बहुत हंसी आती है, मजा आता है। तो वहां पर जो भी कपल जीतेगा, यानी कि जो भी लड़का लड़की जीतेंगे, उन लोगों को वहां पे एक रात स्टे करने का मौका मिलेगा रोज आइलैंड पे, और उनको डेट पर भी जाने का मौका मिलेगा। बाकी जितने भी रोज आइलैंड पे टास्क हारते, जितने भी कंटेस्टेंट, उन लोगों को लेके जाते सीधा स्कल आइलैंड पे। स्कल आइलैंड के होस्ट है रघु। अब रघु जहां पे होस्ट रहेंगे तो आपको पता है कि रघु तो राजीव से भी ज्यादा खतरनाक है। और वो ऐसे इंसान है जिन्होंने इस तरीके की रियलिटी शो को हमारे इंडियन टेलीविजन पे लाए थे, और वो बहुत ही खतरनाक तरीके से जज करते हैं। और मतलब उनका जज ऐसा रहता है कि सामने वाला उनके सामने कुछ बोल ही नहीं पाता। रघु सर के पास वो दोनों टकले बहुत हार्ड है। तो रघु जितने भी लोग स्कल आइलैंड में जितने कंटेस्टेंट जाते हैं, उन लोगों को बहुत जबरदस्त तरीके से टॉर्चर करते हैं, और वहां पे उन लोगों की जितनी भी केमिस्ट्री है वो केमिस्ट्री को तोड़ते हैं। और वहां पर जो लोग भी हारते हैं, फाइनली उन लोगों के बीच में एलिमिनेशन होता है, और फिर उसमें से दो कपल्स आउट होते हैं, एक लड़का एक लड़की। तो हर एपिसोड में नए नए कपल्स बनते हैं, नए नए जोड़ियां बनती है। तो बेसिकली इस शो में आपको लव देखने को मिलेगा, लस्ट देखने को मिलेगा, बिट्रेयल देखने को मिलेगी, फ्रेंडशिप देखने को मिलेगी, पॉलिटिक्स देखने को मिला। तो कुल मिला कि ये बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग शो मुझे लगा, क्योंकि जितने भी टास्क थे ना, चाहे वो रोज आइलैंड के जो टास्क हो, वो तो फनी कॉमेडी तो थे, हालांकि सब एडल्ट है लेकिन फनी कॉमेडी लगे। और जितने भी टास्क स्कल आइलैंड पे थे रघु सर ने जो लिए, वो टास्क यूनिक थे। और प्लस एक जो केबीसी टास्क था सवाल जवाब का, वो टास्क मुझे नया लगा, बहुत इनोवेटिव लगा। उसके अलावा काफी अलग अलग टास्क थे, और कंटेस्टेंट लोग भी काफी समझदार और काफी अच्छे लगे, सुटेबल लग रहे इस शो के लिए, बहुत अच्छे थे कंटेस्टेंट। पर्सनली मेरे दो फेवरेट कंटेस्टेंट अगर आपको बता दूं, एक तो है आशीष त्रिवेदी और दूसरी गर्ल्स में है एंजल। उसके अलावा बाकी कंटेस्टेंट भी अच्छे थे। तो कुल मिला के ये शो जरूर देखना चाहिए अगर आप लोग ने अमेजॉन प्राइम वीडियोस को सब्सक्राइब किया, क्योंकि आपको कहीं पे भी बोर नहीं होगे। तकरीबन 10 एपिसोड अगर आप लोग एक दिन में दो दो तीन तीन एपिसोड भी देखते हो तो आपको मजा आएगा, क्योंकि नए नए टास्क देखने को मिलेंगे। और रघु राजीव है तो वो शो तो फाड़ू हो गई, तो बिल्कुल उसी तरीके से फाड़ू शो है। मुझे ऐसा लगता है कि इसका सीजन 2 जरूर आएगा, क्योंकि सीजन 100% सक्सेस होने वाला है। और मुझे पर्सनली ये सीजन 1 अच्छा लगा, इस वजह से मैंने कोशिश किया कि चलो फर्स्ट टाइम कोई भी रिव्यू चैनल आपको रियलिटी शो के बारे में रिव्यू नहीं करेगा, लेकिन मैं सोचा कि चलो अच्छी चीजें तो उसे प्रमोट करना जरूर चाहिए अगर आप लोग के पास टाइम है, अगर आप लोग भी एडल्ट। लेकिन इतना बता दूं, ये बच्चों के लिए फैमिली ओरिएंटेड शो बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ लड़के लड़कियों के लिए, वो भी एडल्ट और जो ज्यादा लिबरल टाइप है, क्योंकि इसमें काफी एडल्ट कंटेंट ही है, चाहे वो फनी वे में हो चाहे वो सीरियस वे में हो, लेकिन वो एडल्ट कंटेंट है इसमें बहुत सारे, जो आप लोगों ने शायद नहीं देखे होंगे। लेकिन फिर भी स्प्लिट्स विला और रोडीज में तो इससे पहले भी आप लोगों ने देख चुकी है, तो कोई नई बात नहीं है। लेकिन पर्सनली शो बहुत अच्छा लगा, एंटरटेन हुआ मुझे, कहीं पे भी टाइम वेस्ट नहीं लगा। तो यार इस वीडियो में इतने, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और हाँ, अगर आपको ये पूरा का पूरा सीजन देखना है तो आपको अमेजॉन प्राइम वीडियोस पे जाके देख सकते हो आप, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप लोग सीजन ऑलरेडी देख चुके, एक दो एपिसोड आपको देख चुके, तो आपको कौन सा एपिसोड ज्यादा पसंद आया, कौन से कंटेस्टेंट आपके फेवरेट है, और रघु राजीव को फिर से दोबारा किसी शो में देखकर आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो यार इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो का। टिल देन बाय।